पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त यातायात विभाग के मार्गदर्शन पर फेंसिंग नंबर प्लेट लगी गाड़ियों को आज पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और गाड़ियों को जब्त किया है। ऐसी कार्रवाई और 3 दिन चलने वाली है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक पराग पोटे द्वारा दी गई। शहर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त यातायात विभाग के मार्गदर्शन पर फेंसिंग नंबर प्लेट और RTO द्वारा जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई है ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई आज शहर के लॉस्क्वेयर चौक पर की गई है। ऐसी कार्रवाई अगले 2 दिन शहर में की जाएगी, ऐसी जानकारी भी पुलिस निरीक्षक पराग पोटे द्वारा दी गई है। माननीय पुलिस आयुक्त सर आणि माननीय पुलिस उपायुक्त साहब वाहतूक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज उद्या आणि परवा 3 दिवस ज्या फैन्सी नंबर प्लेट आहे किंवा ज्या RTO अप्रूव्ड नंबर प्लेट नाहीत, ज्या बारीक नंबर प्लेट लिहिलेले आहे किंवा अस्पष्ट आहे, ज्या आम्हाला COC च्या कॅमेऱ्यातून लोकेट होत नाही, अशा सर्व वाहनांवर चालान करण्याची कारवाई सुरू आहे। नुसतं चालानच करणे नाही, वारंवार चालान करूनही नंबर प्लेट बदलत नाही, म्हणून त्या गाड्या जप्त करून जोपर्यंत नंबर प्लेट चेंज करत नाही तोपर्यंत गाडी डिटेन करण्यात येईल, ही पण मोहीम सुरू आहे। आतापर्यंत सीताबर्डी झोनच्या अंतर्गत 115 ते 120 चालान झालेले आहेत आणि बऱ्याचशा गाड्या आम्ही सीज करून ठेवलेल्या आहे। जोपर्यंत त्या नंबर प्लेट चेंज करत नाही तोपर्यंत त्या सोडण्यात येणार नाही। 115 ते 120 जवळपास गाड्या आम्ही चालान केलेले आहे। शहर में फैंसी नंबर प्लेट और जो नंबर प्लेट RTO द्वारा मंजूर नहीं हुई है, साथ ही ऐसे नंबर प्लेट जो COC कैमरा में लोकेट नहीं होती, ऐसे वाहनों पर चालान कर जब्त करने की कार्रवाई आज की गई है। साथ ही ये कार्रवाई 3 दिन तक चलेगी। आज सीतामढ़ी जोन के अंतर्गत 115 से 120 के करीबन वाहनों पर चालान किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ाकर के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्टिंग, PCN न्यूज़ नागपुर।